लगातार 3 दिन से उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके शीतलहर की चपेट में, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कें बंद और बिजली गुल। बर्फबारी की वजह से कई जगह गिरे हैं पेड़, रास्ते में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू। बर्फबारी के बाद हिमाचल के पहाड़ों में बढ़ी पर्यटकों की तादाद, कालका शिमला हाईवे पर 6 किलोमीटर लंबा जाम। चकराता में 48 घंटे से लगातार बर्फबारी, सैलानियों की लगी भीड़। उत्तराखंड के धनौल्टी में सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां, घर होटल भी बर्फ पर। धनौल्टी में भारी बर्फबारी के बाद कई जगहों पर ठप हुई आवाजाही, पर्यटक हुए परेशान। लगातार बर्फबारी से गंगोत्री और यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई गाड़ियां फंसी। कुल्लू में भी जबरदस्त बर्फबारी, बिजली महादेव इलाके में दिखा अद्भुत नजारा। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी से बड़ी परेशानी, घरों की छत से बर्फ हटाकर दिखे लोग। उत्तराखंड के जोशीमठ में 2 दिनों से जोरदार बर्फबारी, 6 किलोमीटर दूर ही रास्ता बंद, सैकड़ों सैलानी और गाड़ियां जहां तहां फंसे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बर्फबारी, मुगल रोड पर जनजीवन अस्त व्यस्त। नैनीताल में 38 साल बाद बना रिकॉर्ड, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शहर के निचले इलाकों में हिमपात। 48 घंटे से टिहरी जिले में भारी बर्फबारी, स्थानीय लोग कर रहे हैं दिक्कतों का सामना। हिमाचल के धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी, कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम में हालात अब भी सामान्य नहीं, गुवाहाटी में फिर लगा कर्फ्यू। सड़क पर सेना और पैरामिलिट्री फोर्स, दुकानें बंद, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पर रोक। एनआरसी को लेकर वर्धमान में भिड़े तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, 6 लोग घायल। तैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की कार पर पत्थरबाजी, टीएमसी पर लगाया आरोप। इम्फाल में मणिपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने असम के आंदोलन का किया समर्थन, निकाला कैंडल मार्च। असम में बढ़ते तनाव को लेकर दिल्ली तक हलचल, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल करेंगे पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात। नागरिकता संशोधन बिल पर असम गण परिषद का यूटर्न, बैठक के बाद बिल के विरोध का फैसला। असम गण परिषद ने संसद में बिल का किया था समर्थन, अब विरोध को लेकर पीएम से करेंगे मुलाकात। असम के 10 जिलों में अभी इंटरनेट बंद, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। फगिल गोगोई के खिलाफ एनआईए ने देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज, नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में हिंसा भड़काने का आरोप। असम की हिंसा को लेकर अब तक 85 लोगों की गिरफ्तारी, सैकड़ों लोग हिरासत में। असम में हिंसा के बीच प्रशासनिक उलटफेर, गुवाहाटी डिब्रूगढ़ के पुलिस अधिकारी बदले गए। पटना में प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश से की मुलाकात, इस्तीफे की पेशकश को नीतीश ने ठुकराया, प्रशांत ने किया था नागरिकता बिल का विरोध। प्रशांत किशोर ने कहा नागरिकता संशोधन बिल को लेकर वो अपने विचार पर कायम है, नीतीश कुमार ने कहा वो एनआरसी के पक्ष में नहीं। जैसलमेर में जमीयत उलमाए हिंद की अगुवाई में मुस्लिम समाज ने निकाला मौन जुलूस, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान से शिवसेना नाखुश, सूत्रों के मुताबिक उद्धव कर सकते हैं कांग्रेस आलाकमान से बात। संजय राउत ने भी जताई नाराजगी, कहा राहुल गांधी ने जो कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण। संजय राउत ने कहा बीजेपी नहीं करती लेकिन हम करते हैं आजादी के लिए कांग्रेस नेताओं के योगदान का सम्मान। झारखंड के दुमका में पीएम मोदी की रैली, एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारी। झारखंड में एमआईएम का भी सियासी दांव, पालुजोरी में आज ओवैसी की रैली। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार पर मारपीट का आरोप, पड़ोसी के मुताबिक पुलिस ने कहा पहले ऊपर से फोन कराओ। जेएनयू में छात्रों ने वीसी का किया घेरा, बातचीत करने की मांग को लेकर हंगामा। छात्रों ने रोक ली वीसी की गाड़ी, कड़ी सुरक्षा में पहुंचाया गया प्रशासनिक भवन, पुलिस की तैनाती। पटना के सेंट जेवियर स्कूल की पूर्व छात्रा ने टीचर पर लगाया छिड़काने का आरोप, एफआईआर दर्ज। छात्र ने कहा जूनियर सेक्शन की बच्चियों के साथ करते हैं गलत व्यवहार, टीचर को स्कूल से हटाने की मांग। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अर्जुन जारी, निर्भया केस के दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी देने की मांग। स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, आंध्र प्रदेश जैसा दिशा बिल पूरे देश में लागू करने की मांग। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने दिशा बिल को दी मंजूरी, रेप केस की सुनवाई 21 दिन में पूरी, दोषी को फांसी की सजा। लगातार बिगड़ रही स्वाति मालीवाल की तबीयत, सांसद सुशील गुप्ता ने की अनशन खत्म करने की अपील। निर्भया मामले के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ 17 दिसंबर को करेगी सुनवाई। दिल्ली समेत कई राज्यों से दूध की कीमत में इजाफा, अमूल और मदर डेयरी ने बढ़ाया दाम। दिल्ली में मदर डेयरी ने टोन मिल्क में किया प्रति लीटर 3 रुपए का इजाफा, फुल क्रीम मिल्क में 2 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर में आज से लागू हो गई दूध की बढ़ी हुई कीमतें, कंपनी ने दिया महंगाई का हवाला। अमूल ने भी दूध की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए का किया इजाफा, टोन मिल्क के दाम 44 रुपए।
अमूल शक्ति की कीमत में कोई बदलाव नहीं, अमूल दूध की बढ़ी कीमतें भी आज से गुजरात, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम बंगाल के लिए लागू कीमतें। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक इमारत में लगी आग, 3 बुजुर्ग महिला की मौत। बिहार के मनेर में हथियार के बल पर पेट्रोल पंप से 5 लाख की लूट, 3 घायल। वाराणसी में लापता लड़की का मिला शव, लोगों ने विरोध में किया चक्काजाम। गाजियाबाद में पेट्रोल का बकाया पैसा मांगने पर भड़का युवक, कर्मचारी पर चढ़ाई कार, काटना पड़ा पैर। हरियाणा के फरवल में ईएमयू शटल की 136 नंबर बोगी में नवजात बच्ची शॉल में लिपटी मिली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जैसलमेर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा, 2 महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में 4 महिला तस्कर गिरफ्तार, 6 करोड़ का चरस जब्त। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेत की अवैध खुदाई को लेकर छापेमारी, पकड़े गए 9 ट्रैक्टर। कासगंज से तेजाबी हमले की पीड़ित ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, 1 साल से इंसाफ के लिए लगा रही गुहार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रेप पीड़ित महिला सुनवाई नहीं होने से परेशान, आत्मदाह की कोशिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में 16 साल की बच्ची को अगवा कर गैंग रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में रेप के बाद पीड़ित को जिंदा जलाने की कोशिश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कृष्णवाड़ा में बिरयानी बेचने वाले दलित युवक को दबंगों ने जमकर पीटा, जाति सूचक गाली दी, वीडियो वायरल। यूपी के सिद्धार्थनगर में अस्पताल के रैन बसेरे पर निजी कंपनियों का कब्जा, मरीज के रिश्तेदारों को परेशानी। यूपी के औरैया में नाबालिग के साथ दरिंदगी, आरोपी फरार। शिलांग में भारतीय और चीन की सेना का संयुक्त अभ्यास, सेना ने जारी किया वीडियो। यूपी के बिजनौर में ट्रक सूट में निरीक्षण करने निकले स्वतंत्र प्रभार परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, यात्रियों से पूछी समस्याएं। वाराणसी गंगा आरती में शामिल हुई जानवी कपूर, 1 घंटे तक रही घाट पर। आरनमान से मशहूर वाराणसी के श्याम चौरसिया ने बनाया स्पेशल पर्स, महिलाओं की सुरक्षा में मददगार। गुजरात के द्वारका में रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा। मुरादाबाद में बारिश की वजह से टूटा नाला, कॉलोनियों में भरा पानी, निकलने के लिए नाव का सहारा। राजस्थान के जोधपुर की पॉकेट रॉकेट पूजा बिश्नोई को विराट कोहली फाउंडेशन ने लिया गोद, प्रैक्टिस के लिए शहर में दिया फ्लैट। 8 साल की पूजा ने 48 मिनट में लगा चुकी है 10 किलोमीटर की रेस, 2024 में देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाने का है सपना। मुरादाबाद में टोल पर फास्टैग कनेक्ट नहीं होने से शिकायत, 1.5 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। रायपुर में खौफनाक हादसा, टक्कर के बाद स्कूटी को कई मीटर तक घसीटता रहा कार चालक, युवक बुरी तरह जख्मी। समस्तीपुर में महिला की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, NH-28 पर 4 घंटे तक लगाया जाम। मनाली गोलीकांड का मुख्य आरोपी होटल से गिरफ्तार, सामने आया वारदात का वीडियो। पुलिस शहर में युवक की पेड़ से लटकी मिली लाश, परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का लगाया आरोप। सिडनी में मासूम बच्ची से रेप की कोशिश, आरोपी नाबालिग लड़की को पुलिस ने पकड़ा। रोहतक में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, स्मैक बेच रही महिलाओं की गिरफ्तारी, 10 लाख कैश भी जब्त। औरंगाबाद में किराए विवाद में छात्र की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कौशाम्बी में स्कूल बस से टक्कर के बाद बाइक सवार की मौत, नाराज भीड़ ने दूसरी स्कूल बस को आग के हवाले किया। मोहाना में 13 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी ताऊ पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। हरदोई में एक किसान की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में सरेआम दबंगों गुंडागर्दी, वार्ड मेंबर के प्रस्तावकों की अगवा। झुंझुनू के खेतरे में महज 50 पैसे की वसूली के लिए सजी लोक अदालत, SBI ने एक शख्स को भेजा था नोटिस। हैदराबाद में 40 लाख के हीरो की चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, कई जगहों पर छापेमारी। हाजीपुर में पुलिस वाले का बेटा निकला 16 लाख के ATM लूट का मास्टरमाइंड, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में शातिर बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों ने जूलो से 10 लाख की फिरौती मांगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई में आज वनडे सीरीज का आगाज, घरेलू मैदान पर लगातार 10वीं वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। चेन्नई में मौसम पर दोनों टीम की निगाहें, पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर हो रही बारिश। वर्ल्ड टेस्ट के तीसरे दिन में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड पर बनाई 417 रनों की मजबूत बढ़त, पहली पारी में 166 रन पर सिमट गई कीवी टीम। बर्न्स और लवशेन की 50 से दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर बनाए 167 रन, 29 रन पर खो दिए आखिरी 4 विकेट। पूर्व विकेट कीपर मार्क बाउचर बनाए गए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, 2023 वर्ल्ड कप के लिए मिला प्रभार। तुमका के टोमियन सिंह चुनी गई मिस वर्ल्ड 2019, फ्रांस की ओफेली रनर अप। मुकाबले में सुमन राव कर रही थी भारत का प्रतिनिधित्व, तीसरे स्थान पर रही।
न्यूज दिन में ज्वालामुखी फटने के बाद प्रभावित इलाके में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर पायलट ने बताया अनुभव, पांच लोगों को निकालने में कामयाब। वॉशिंगटन में क्रिसमस की रौनक, करीब 56,000 किलो बर्फ से बना वंडरलैंड। चीन के सिचुआन प्रांत में पांडा और उसके बच्चों की दुर्लभ तस्वीर, पानी पीने निकले थे कैमरे में कैद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।